नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। यह मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब इस मैच को लेके पूरे भारत में, पूरे क्रिकेट जगत में एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि 2019 की जो कड़वी यादें हैं वो भारतीय टीम के साथ है। लेकिन ये मैच, जैसा कि आपको बताया, मुंबई में हो रहा है। लेकिन मुंबई में धीरे धीरे, जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है, वैसे वैसे मौसम बदल रहा है। मौसम के बदलने से पिच का मिजाज भी बदल रहा है। सारी चीज पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। तो ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, मार्क चैंपियन, क्लिन फिलिप्स, टॉम लैथम, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, लोकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच में कुल 117 मैच हुए हैं, जिसमें से 59 मैच जीते हैं टीम इंडिया ने, 50 मैच जीते हैं न्यूजीलैंड ने, एक मैच टाई रहा है। अब आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई। अब आपको वेदर बता देते हैं। देखिए, मुंबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पूरे मैच के दौरान बारिश की 25% आशंका है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। अब मौसम बदला है तो पिच भी का मिजाज भी थोड़ा सा बदल सकता है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं कि वानखेड़े की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। वानखेड़े की पिच को बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है। मुंबई के इस मैदान पर जमकर चौके छक्के लगती है। पिच पर अच्छा उछाल होने की वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से आती है और रन बनाना आसान हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे रनों की बारिश होती है, लेकिन जो ये बादल छाए हुए हैं उससे दोनों ही टीमों को खतरा है, क्योंकि बादल छाए रहेंगे तो हवा भी चलेगी और जो नमी है उसका भी फायदा गेंदबाजों का होगा। तो तेज गेंदबाजों को यहाँ पे मदद मिल सकती है, स्पेशली शुरुआती ओवर्स में और अंडर द लाइट्स, यानी कि जब दूसरी टीम बैटिंग करेगी और शुरुआती विरोधी टीम गेंदबाज करेंगे, वो 10 से 15 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि पिच से बहुत मदद मिलेगी। और बादल छाए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है ड्यू फैक्टर भी देखने को ना मिले। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, वेदर रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 बताई। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि क्या भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा रहा है, फाइनल में पहुंच रहा है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा डर तो है, 2019 की हार अभी भी दिमाग में घूम रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।